नमस्ते दोस्तों, मेरे साथ हैं देवेंद्र प्रताप सिंह और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लेडियोलस लगा हुआ है। तो आज इसके बारे में जो है हमें देवेंद्र प्रताप सिंह बताएंगे कि इसमें क्या क्या जो है किया गया है, कैसे इसको लगाया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्लेडियोलस यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे जैसे बांदा यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं कि जो है यहाँ पे बांदा में जैसे पानी की कमी है तो उस कंडीशन में कैसे सर्वाइव करेगा ग्लेडियोलस। जैसा कि आप जानते हो ग्लेडियोलस कट फ्लावर है जो कि मार्केट में आप देखते हो कि अवेलेबल होता है सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रायल लगाए हैं जिनकी अलग अलग परफॉर्मेंस भी आप देख पा रहे होंगे कि कोई छोटा पौधा है कोई बड़ा पौधा है। तो वैरायटी के साथ साथ हम आपको दिखाते हैं, वैरायटी भी लगी हुई है जो कि अलग अलग वैरायटी के हिसाब से परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे नीचे जो है किसी में वर्मी कंपोस्ट का यूज और जो नॉर्मल खाद होती है उसका यूज किया गया है। दूसरे फील्ड पे देख पा रहे होंगे कि कम वर्मी कंपोस्ट या फिर जो न्यूट्रिएंट है वो कम यूज किया गया है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रायल होते रहते हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट को लेके हो, चाहे वो वाटर को लेके हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंटेंट को लेके हो कि परफॉर्मेंस क्या आती है वो चेक की जा रही है। तो अभी आप जो देख पा रहे होंगे ये वाला ग्लैडियोल, इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और जो ग्लैडियोल यूज किया जा रहा है यहाँ पे वो वैरायटी जो है मल्टीप्लाई करने के लिए अगली साल फिर से, क्योंकि आप जानते हो इसके नीचे कंद जैसे निकलते हैं हमारे प्याज की तरह से गांठें निकलती हैं जिनको अगले साल दोबारा से सीड के पर्पज़ से लगाया जाता है। तो जितने भी ट्रायल यहाँ पे लगाए जा रहे हैं वो सीड पर्पज़ के लिए ही लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे सीड उगाया जा रहा है, अलग अलग वैरायटी का सीड बनाया जाता है, फिर उसको दोबारा से प्रोसेस करके अगली साल फिर से ने उसमें बताया कि उसमें बड़े पौधे हैं और जो है कि मतलब किसके लिए यूज़ किया गया। तो और इसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे पौधे हैं, तो आप देख रहे हैं तो आप बताएंगे क्यों है ये छोटे पौधे मतलब और घने हैं, मतलब इतने घने क्यों हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अलग अलग ट्रायल लगाए जाते हैं और बीज का भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो जो अभी छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये जो है घने इस तरह से लगाए, इस वजह से लगाए गए क्योंकि जो इनका रहता है जिसको हम कॉम बोलते हैं वो जो रहता है छोटे छोटे रहते हैं, तो बड़ा साइज का जब रहता है तभी उसमें फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। तो ये यहाँ पे इसलिए लगा दिए गए हैं ये घने करके ताकि इसमें बड़ा कंद बन सके, जो छोटी कंद लगाएगी वो थोड़ा बड़ा रूप ले सके जिसको अगली साल नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से लगा के और उसमें से फ्लावर प्रोडक्शन लिया जा सके। तो यहाँ पे एक ही जगह पे इनको लगा दिया गया है, अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह का बहुत कम यूज किया गया है। तो ये यहाँ पे चेक किया जाता है कि कैसा न्यूट्रिएंट देना, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का इसमें भी यूज किया गया है कि कम से कम मात्रा पानी की यूज हो और जिसमें अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सके सीड का भी और फ्लावर का भी। तो इसकी विशेषता है जो ग्लैडियोलस होता है वो सर्दियों के मौसम में आपको देखने को मिलता है मार्केट में, कट फ्लावर के तौर पे, गुलदस्ते के तौर पे बहुत सारा यूज होता है, बाहर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है।